हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। 27.54% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर में हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही लास्ट फ्यू वीक से, बट एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है जो आपको ज़रूर पता। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझते हैं क्या न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। आज का हाई 28, आज का लो 27.45, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 52 वीक हाई इज टू फार। फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं और कोई भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। 20% का बैंड है, मार्केट कैप यार कम हो रहा है। 5549 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का वॉल्यूम तो मैं आपको बताना चाहूँगी। NSE BSE दोनों को मिलाकर टोटल वॉल्यूम में भी आज कमी देखने को मिली है। ओनली 57 लाख का वॉल्यूम है। बाइंग प्रेशर 4,91,000, सेलिंग प्रेशर 13,71,000। तो फ्रेंड्स, सेलिंग प्रेशर हमेशा की तरह ज़्यादा है एंड टोटल वॉल्यूम आज बहुत कम देखने को मिला, जस्ट 57 लाख का, जो कल फिर भी 97 लाख था। तो वॉल्यूम में लगातार कमी हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टर अभी शेयर में ट्रेड भी करना नहीं चाह रहे, इंटरेस्टेड नहीं है। अब चलते हैं सीधा न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे कि मैनेजमेंट ने क्या ऑफिशियली अनाउंस किया। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर कंसिडरिंग एंड अप्रूविंग द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, आप समझ गए होंगे कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। मैंने आपको बताया ही था कि आने वाली है, तो जानते हैं क्या डेट आई है। डॉक्यूमेंट ओपन होने दीजिए। हम एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सा रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंट, ब्राइटकॉम ग्रुप। स्क्रॉल डाउन, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सो क्या डेट है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। एक वन पेज का ही डॉक्यूमेंट है। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कह रहा है कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज स्केड्यूल्ड ऑन फ्राइडे 3rd February। ज़्यादा दिन नहीं है, 3rd February को, टू कंसिडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। एंड उसके लिए जो भी प्रोसीजर होता है, वो जो 48 आवर्स वाला होता है ट्रेडिंग क्लोज, वो भी की जाएगी। तो नोट कर लीजिए डेट, डेट है 3rd February, फ्राइडे है, उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। बेल बटन प्रेस कर देना बस, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। और रिजल्ट कैसा आ सकता है फ्रेंड्स, तो रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट ही आएगा। कंसिस्टेंट 0.60 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, तो हम इतना ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है इससे कम भी हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब इस शेयर में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इवन जो डेटा, जो फिगर्स है, उसमें भी इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है, नॉर्मल साइज शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कंपनी में कुछ भी न्यू चीज़ नहीं होती देखने को मिल रही, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। मैंने आपको 26 रुपीज का टारगेट दे रखा है, 25 तक फ्रेंड चला जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। मार्केट जिस दिन सपोर्ट भी देती है, उस दिन भी शेयर में हमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलती। आज तो निफ्टी फ्लैट था, बट कल परसों निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इस शेयर में हमें कुछ भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। तो 25 रुपीज नेक्स्ट टारगेट लेके चलिए आप। सो अब देखना है 3rd February को रिजल्ट कैसा आता है, और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद थोड़ी सी एक रैली हम देख सोच सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छा आए तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को कराए फर्स्ट टाइम विजिट, कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो न्यू अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया कि इनकी रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड्स 3rd February को। थैंक यू।